नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, जैसे वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया कि आज अपने गार्डन के अलावा चलते हैं नर्सरी में और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से पौधे आए हैं। और भले ही दोस्तों एक दो बार बरसात हुई, लेकिन फिर भी अब भी इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद बारिश नहीं हुई। और बस मैं भी छिड़काव करके हटी हूँ पौधों पर हल्का फुल्का। तो चलिए चलते हैं नर्सरी में। और आज जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज इनका बर्थडे है। तो मेरी आदत है कि जब भी कुछ ना कुछ हो घर में, कोई त्यौहार हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो सुबह सुबह मुझे प्लांट लेने की आदत है। प्लांट भी मैं वो वाला लेती हूँ जो बड़ा ट्री बने। और प्लांट तो वैसे हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी चलो एक परचेजिंग भी हो जाती है और एक अच्छा सा विजिट भी हो जाएगा, है ना। तो चलो चलते हैं नर्सरी और लाते हैं एक दो पौधे जो कि मैं सामने जो गार्डन है ना उसमें लगा दूंगी, जो कि आगे आने वाले टाइम में बड़े ट्री बनेंगे। और मौसम भी देखो, अब आगे अभी तो नहीं खैर बारिश आ रही, लेकिन अब बरसात वाला आने वाला है, तो इतने बारिश नहीं होती इतने, जैसे सामने ही पार्क है, देखते रहेंगे उसको कि कैसा चल रहा है। और फिर तो बारिश का पानी पड़ेगा तो फिर अपने आप से वो रूट ग्रो करके और अपने आप से ही स्टैंड हो जाएगा। तो इतने तो वही देखना पड़ेगा, है ना, छोटे बच्चों की तरह केयर करनी पड़ेगी उसकी। और अभी तो भाई 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बस पूछो नहीं। सुबह सुबह कई बार होते हैं बादल, जैसे अभी आप देख रहे होगे बादल से, लेकिन बरसात नहीं हो रही भाई, इतना घोट हो रहा है, बिल्कुल हवा भी नहीं चलती और बिल्कुल घोट हो रहा है। चलो आ गए नर्सरी में, आप नर्सरी भी देख लो। मैंने तो खैर पौधे लेने थे, फिर आपके लिए वीडियो ही बनाना था, अच्छा लगता है देख के, है ना, अपने गार्डन के अलावा देखना भी। और अब तो जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो दिखाना भी अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीजें। ये देखो, वैसे ना आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बहुत बड़े बुद्धा हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज है, अच्छे बड़े बड़े प्लांटर हैं ये। और कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि गमले अच्छे नहीं लगते, ये नहीं लगते, तो भी आजकल तो इतने सुंदर सुंदर ये सेरेमिक के आए हुए हैं, इनमें भी प्लांट खूब अच्छे चलते हैं। और नहीं तो फिर पता है क्या किया करो, प्लास्टिक वगैरह में लगा के या किसी भी ऐसी चीज में लगा के वो इनके अंदर रख दिया करो, ताकि इनको उठाना भी आसान हो जाए, हैंडल करना। देखो कितने अच्छे अच्छे गमले हैं ना, अच्छा सामान आ रहा है अब तो। ये देखते जाओ, मैं लूंगी भाई आंवले के पौधे, आंवला अच्छा होता है लगाने के लिए भी और इस मौसम में लगाना भी चाहिए। पहले भी मैंने एक बार लगाया था, वीडियो बना रखा है ना, वो मेरा बंदर उखाड़ गए थे, तो फिर मुझे लगा गमले में नहीं लगाती कहीं अच्छी सी जगह पे, अब बरसात का मौसम भी आएगा तो अच्छे ट्री बन जाएंगे फिर। और एक भाई देखो, और जो बर्थडे की तैयारी होगी वो तो होगी सारे दिन, लेकिन एक ना बड़ी शांति सी मिल जाएगी, जैसे हम पौधों को प्यार करते हैं कि हाँ सुबह सुबह अपने हाथ से एक अच्छा काम हो गया, और फिर तो सारा दिन जो करना है वो अपना करते रहो। और ये बात दोस्तों मैं इसलिए बताती हूँ कि जो लोग सुबह से ही और तैयारियों में लग जाते हैं, कम से कम ऐसी ऐसी मतलब ओकेजन्स पे या कोई भी त्योहार हो, तब अगर आप प्लांट लगाते हो ना तो बहुत शांति मिलती है, देखना सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये देख लो सारे के सारे पौधे, ये भाई ड्वार्फ टिकोमा है ये, इसमें छोटे में ही फूल आ जाते हैं। तो आप ना अगर नहीं करते ना ये काम, आप करके देखना, आपका सारा दिन तो अच्छा जाएगा जाएगा। और एक साइकोलॉजिकली ना आपको बहुत एक ना रिलैक्स फील होगा कि सुबह की शुरुआत, आज इतना अच्छा दिन है जो हमारे जीवन का, इस दिन कुछ हुआ था तो उस दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से हुई है। और दोस्तों प्रकृति से बड़ा आशीर्वाद आपको कहीं नहीं मिल सकता, आप एक चीज लगाते हो ना उसमें से हजारों बीज हजारों फल पनपते हैं, उसी तरह का आशीर्वाद आपको मिलता भी है। एक अच्छा काम करके आपको हजारों चीजें फ्री में गिफ्ट में मिलेंगी, माँ प्रकृति की तरफ से, भगवान के आशीर्वाद की तरफ से। आप एक बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो एडीडियम कितना अच्छा लग रहा है ना, इसने भी देखो नीचे वो लगा रखे हैं पर्सलेन पोर्चुला का, नर्सरी वाले भैया ने भी, जैसे मैं बताती रहती हूँ ना आपको, छोटे छोटे सुकुलेंट्स लगा दिया करो बड़े पेड़ के नीचे, इससे उसकी मट्टी भी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहती है और बस और भी प्लांट उग जाते हैं। अब बजाय खाली रहने के और ज्यादा ग्रीन लग रहा है ये, है ना।
कितना अच्छा अच्छा है ये, अच्छा मैच्योर सा हो रहा है ये। और ये है भाई, ये भी लकी प्लांट्स में से है, पहले हमने कभी नहीं भाई बिकते देखे ये। आखे के पौधे ऐसे उग जाते थे अपने आप, और जब से ये पता लगा है ना लोगों को कि ये बहुत शुभ है प्लांट है ना, गणेश लक्ष्मी का वास होता है इसमें, तो तब से देखो भैया कहते हैं सबसे ज्यादा पौधा बिकता है ये। और मैंने तो आपके अपने फ्रंट में आपको दिखाया था सफेद आखे का, अपने आप से उग रहा है, मैंने तो लगाया भी नहीं था बल्कि वो। और ये भी बड़े अच्छे प्लांट है मोर पंखी के, विद्या जिनको बोलते थे हम है ना, ये भी आप इस टाइम लगा सकते हो। ये भी दोस्तों एंट्रेंस पे लगे हुए ना बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आप ऐसी जगह लगाते हो ना जहाँ ज्यादा तेज धूप भी नहीं आती, धूप में ना इसके पत्ते थोड़े जल से जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह है कि बाहर वाला सा माहौल हो तो एंट्रेंस पे बड़े अच्छे लगते हैं पौधे। मैंने कईयों के देखे ना एंट्रेंस पे एकदम रखते हो, तो वहां ज्यादा धूप भी नहीं होती, छाया भी नहीं होती, और बस ये सब आप जानते ही हो, देखते जाओ। मैं भी चलते हुए आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन हाँ बस मैसेज यही देना था कि जब भी कोई बात हो घर में, अच्छी बात हो, तो आप एक पौधा जरूर लगाया करो, प्लांट नहीं एक ट्री लगाया करो, जो कि बड़ा होके बहुत बड़ा ट्री बने है ना। तो देखो आने आगे आने वाले टाइम में कुछ साल में वो ट्री बन जाएगा, कितने लोगों को छाया देगा, फल देगा है ना, कितनी ऑक्सीजन रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में, और कितनी सारी गंदी गैसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और जो सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब करके ठंडी ठंडी ऑक्सीजन देता है जो कि एक प्राण वायु है, सबसे बड़ी बात है। तो कितना भले वाला काम करोगे आप है ना। तो एक बड़ा ट्री मतलब प्लांट लाना है आपने घर पे, तो लेकिन ऐसा प्लांट लाना है जो कि बड़ा होके ट्री बने। नीम का लगा दो, पीपल का लगा दो, और भाई बरगद का लगा दो, और इस तरह के जो वृक्ष बड़े ट्री बनते हैं वो वाले लगा दो, जो भी आपको अच्छे लगे। ये सारे इंडोर हैं भाई, और अभी हमारे यहाँ कुछ खास अच्छी बारिश नहीं हुई, तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं ले रही, बस वही बात है कि ओकेजन पे ना मुझे लेना अच्छा लगता है, एक आदत सी बन गई अब तो। नहीं लूंगी ना फिर सारा दिन मेरा यूं ही दिमाग में रहेगा, ये पौधा तो लगाया नहीं, पौधा तो लगाया नहीं, तो बस अब आदत सी बन गई, हैबिट बन गई है एक, तो बस एक बार हैबिट बनी और बनी, बस इनके हाथ से लगवा दूंगी, अच्छा भी रहेगा है ना, एक शुभ काम भी हो जाएगा। ये देख लो आप नर्सरी आ रही है तो भी सारा देखते चलो क्या क्या आ रहा है इनके पास, लेकिन अभी गर्मी इतनी है, और तो मैं कुछ नहीं ले रही अभी, एक दो और अच्छी बारिश हो जाए ना, थोड़ा और बारिश का मौसम सा आ जाए फिर मैं देखूंगी। लेकिन हाँ मौसम कैसा भी हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर कोई बात होती है, कोई त्योहार होता है या कोई सेलिब्रेशन होती है, तो मैं प्लांट जरूर लेती हूँ, सुबह सुबह आके एक बार पौधा लेके, चाहे मुझे रखना पड़े घर में, लगा बाद में लूंगी, अगर देखो घर में आ गया तो लगेगा भी, वो जरूरी नहीं आपके पास ज्यादा बिजी होने के कारण उस दिन टाइम हो, लेकिन आप लेके एक बार रख लो, फिर आप बेशक लगाते रहना। बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी, तो भाई ये ले लिए मैंने दो आंवले के प्लांट, एक तो क्या लेती, जोड़ा ही ले लिया चलो है ना, एक बेटे के हाथ से लगवा दूंगी, एक इनके हाथ से लगवा दूंगी। और आंवले का पौधा दोस्तों आप सर्च करना, बहुत अच्छा माना जाता है, कहते हैं कि आंवले का पौधा लगाना पता नहीं कितने 100 अश्वमेध के यज्ञ के बराबर होता है, तो इतना अच्छा, जब उन्होंने बड़ों ने इतनी अच्छी बात कह रखी है, पता नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते होंगे इसके जो उन्होंने कह रखा है, तो चलो उस अच्छे के साथ अच्छा हम भी कर लेते हैं, तो लेके चलते हैं इन पौधों को और लगा देंगे सामने वाले पार्क में। तो बस जी मैंने कर लिए परचेज, नर्सरी का विजिट करा दिया आपको, कमेंट करके बताना मेरा आइडिया कैसा लगा और पौधे कैसे लगे। अब चलते हैं वापस और लगाएंगे इनको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।